मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव से पहले किसानों को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को किसानों के मुद्दों पर घेर रही है। किसानों की आत्महत्या ने शिवराज सरकार को हिलाकर रख दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2010 में आमिर खान निर्मित फिल्म पीपली लाइव आई थी। लोअर बजट की इस मूवी ने भारत की सियासी और सामाजिक स्थिति पर व्यंग्य कसते हुए सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके निकम्मेपन की पोल खोली थी। फिल्म के मुख्य किरदार नत्था ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल वही हाल आज प्रदेश में किसानों का है। प्रदेश में भी आज कई नत्था है जो वित्तीय और सुरक्षा के चलते मौत को गले लगाने से नहीं चूक रहे। सीहोर के बाद अब इछावर में किसान की आत्महत्या को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच नए सिरे से बयानबाजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं महामूर्ख बोलूँगा, किसान की आत्महत्या को साधारण आत्महत्या बता रहे हैं और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि उसको वो ये समझ लो कि कांग्रेस उसको मुद्दा बना स्वप्न दिखाता है। शिवराज चौहान किसानों को दिया स्वप्न कि घबराना मत किसान भाइयों, मैंने खजाना खोल दिया, फूटी फूटी खजाने में नहीं, कर्ज लिए जा रहा है भ्रष्टाचार के लिए शिवराज। अरे कर्ज लेना तो किसान के कर्ज माफ़ी के लिए ले, किसान के मुआवजे के लिए ले, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में ही मध्य प्रदेश को डुबा दिया। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो कांग्रेस 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर रही थी, वह आज किसानों की मौत पर सियासत कर रही है। मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ किसानों का 2 से 4 हजार का कर्जा माफ कर सर पर सहरा बांध रहे हैं। कांग्रेस में नीति, नियत और नेता तीनों ठीक नहीं है। आज के दौर में कांग्रेस डूबता जहाज है। देखियो, मैं बात हमेशा इस कर्जा माफी को लेकर मैं उस घोषणा पत्र की करता हूँ जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूँ जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है, जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50 हजार बता दें, 2-2, 4-4 हजार कर्जा माफ करके अपने सिर पर सहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसे भी हो पीड़ादायक होती है, और मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक है। वो लोग 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, एक देवास स्वप्न में इन्होंने विचरण कराया, ओवरड्यू हो गए, नया कर्जा मिला नहीं, उसके ऊपर ट्वीट नहीं करते कभी, कभी ये नहीं ट्वीट किया कि हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने झूठ बोला था 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का और हम नहीं कर पाए। किसान को धोखा देना, इस हाल में लाना और उसके ऊपर राजनीति करना, सच में बहुत दुखद है। तो वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ सरकार के दौरान हुए कर्ज माफी को महज कागजी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इस पर जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने कई किसानों से बातचीत किया था, जब बातचीत पर ध्यान आया तो बहुत से किसानों के कागजों पर कर्ज माफ है। मैं सहकारिता मंत्री हूँ, वास्तव में हमारी सब टैक्स सोसाइटियों को डुबोने के काम में भी ये लोग प्रयास किए हैं। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। आपने कहा था कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के 15 महीने रहे आप, आपने नहीं किया। अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था बेरोजगारों का आंदोलन, कई 25-50-60 लोग थे, भिंड में भी थे, बड़े जूतम पैजार हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके वचन पत्र में आपने घोषणा किया था, आपने बेरोजगार युवाओं के बीच में कहकर कहा था कि 4 हजार रुपये तक का हर बेरोजगार को हम भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से, 1 रुपये भी किसी मध्य प्रदेश के युवाओं के खाते में डाले हैं क्या? प्लांटेड करके चुनाव में माहौल खराब करने के लिए, चुनाव में वातावरण खराब करने के लिए इस प्रकार का एक नाटक नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं।
कुल मिलाकर नेताओं की प्राथमिकता में हमेशा ऊपर रहने वाले किसान फिर भी दयनीय स्थिति में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है, जिसमें बताया गया है कि 2019 में 10,281 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने जान दी है। ये स्थिति बताती है कि किसान महज नेताओं के लिए सियासत का एक जरिया भर बन कर रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।